नेक्स्ट टॉपिक इज़ कार्बाइड्स। कार्बाइड्स ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं जो जिनमें कार्बन कंबाइन होगा ऐसे एलिमेंट के साथ में, जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होगी या तो कार्बन के इक्वल होगी। मतलब सपोज़ हम एक मेटल लेते हैं एम और दूसरा एलिमेंट क्या होगा कार्बन, दैट इज़ सी। सो कार्बाइड्स किसे बोलेंगे हम? ऐसे बाइनरी कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कंबाइन होता है ऐसे एलिमेंट के साथ में जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से कम होगी या कार्बन के इक्वल होगी। मतलब यहाँ पर हम जो भी एलिमेंट लेंगे इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या तो कार्बन के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से कम होगी या इक्वल होगी देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ दिस एलिमेंट इट विल बी लेस और इक्वल टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं कार्बाइड्स। सो कार्बाइड्स आर बाइनरी कंपाउंड इन विच कार्बन कंबाइन विद द एलिमेंट्स विच आर लोअर और अबाउट इक्वल इलेक्ट्रोनिगेटिव। नाउ टाइप्स ऑफ कार्बाइड्स। कार्बाइड्स के टाइप्स देखना है हमें। फर्स्ट टाइप है आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट। आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट और सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स। सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स। दीज आर द कार्बाइड्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए सेकंड ए। इसमें कौन से मेटल कार्बन के साथ में कंबाइन होंगे? ग्रुप पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप फर्स्ट ए है और सेकंड ए है ये मेटल्स कंबाइन होंगे कार्बन के साथ में और आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट और सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स हमें मिलते हैं। एग्जांपल कौन से मेटल हो गए ये? जिंक, कैडमियम एंड सम लैंथेनाइड्स। कुछ लैंथेनाइड्स भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। दिस रिएक्ट्स विथ वाटर लिबरेटिंग हाइड्रोकार्बन एंड डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन लिबरेटेड ऑन हाइड्रोलिसिस। ये आयोनिक कार्बाइड्स वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं। वाटर के साथ जब ये कार्बाइड्स रिएक्ट करेंगे तब हमें क्या मिलता है? हाइड्रोकार्बन। मतलब ये वाटर के साथ में रिएक्ट करने के बाद में हाइड्रोकार्बन लिबरेट करेंगे और उस हाइड्रोकार्बन का नेचर डिपेंड होगा उस हाइड्रोलिसिस के टाइप पर। सॉल्ट्स लाइक कार्बाइड्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोस। अब ये आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट और सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स इनके भी थ्री टाइप्स है। फर्स्ट इज एसिटिलेट्स, सेकंड टाइप इज मिथेनाइड्स, एंड थर्ड टाइप इज एलिलेट्स।
फर्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है एसिटाइलीड। सो एसिटाइलीड्स मतलब ऐसे कार्बाइड्स, एसिटाइलीड्स मतलब ऐसे कार्बाइड कि जो हमें एसिटिलीन देंगे एज अ प्रोडक्ट, और जिन में सी ट्रिपल बॉन्ड सी ये प्रेजेंट होगा। एसिटिलीन में सी ट्रिपल बॉन्ड सी ये ग्रुप प्रेजेंट होता ही है। सो ऐसे कार्बाइड जो एसिटिलीन हमें देते हैं जब वो वाटर के साथ में रिएक्ट करते हैं, तो ऐसे कार्बाइड्स को हम बोलेंगे एसिटालिड। एग्जाम्पल इज़ कैल्शियम कार्बाइड। सो कैल्शियम कार्बाइड क्या है? एसिटालिड। क्यों हमने कैल्शियम कार्बाइड को एसिटालिड बोला? क्योंकि जब कैल्शियम कार्बाइड ये वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तब हमें एक तो कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड मिलता है और सेकंड प्रोडक्ट होता है C2H2, और C2H2 मतलब क्या है? एसिटालीन। दिस इज द एसिटालीन। सो कैल्शियम कार्बाइड ने हमें क्या दिया? एसिटालीन ये ग्रुप दिया। जब वो वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तब हमें एसिटालीन मिलता है, इसीलिए कैल्शियम कार्बाइड को हमने कौन से टाइप में इंक्लूड करते हैं? हम एसिटालिड्स में, क्योंकि ये एसिटालीन हमें देता है। दिस टाइप ऑफ कार्बाइड्स आर रिगार्डेड एज डेरिवेटिव ऑफ एसिटालीन एंड दस कॉल्ड एज एसिटालिड्स। दिस कार्बाइड्स हैव NaCl लाइक क्रिस्टल लैटिस। इनका क्रिस्टल लैटिस कैसे होता है? सोडियम क्लोराइड जैसे। एसिटालीड्स को हम डेरिवेटिव ऑफ एसिटालीन भी बोल सकते हैं क्योंकि इनसे ही हमें एसिटालीन मिलता है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज मिथेनॉइड्स, सॉरी मिथेनाइड। अब जैसे एसिटालीड हमें एसिटिलीन देता है, वैसे ही मिथेनाइड से हमें क्या मिलता है? मिथेन। सो मिथेनाइड्स यील्ड मिथेन ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब जब मिथेनाइड को हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर के साथ में तो हमें क्या मिलता है? मिथेन। इसीलिए इनको बोला जाता है मिथेनाइड्स। अब इसके एग्जांपल कौन से हैं? सो Be2C। सो बेरिलियम कार्बाइड व्हेन रिएक्ट विथ फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इट विल गिव ट्वाइस Be(OH)2 प्लस CH4, दैट इज़ मिथेन। मतलब यहाँ पर क्या लिबरेट हो रहा है? मिथेन गैस। सो यहाँ पर हमें मिथेन मिला है, इसीलिए इन कार्बाइड को क्या बोला जाएगा? मिथेनाइड। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल एल्यूमिनियम कार्बाइड का लेंगे हम, Al4C3 व्हेन रिएक्ट विथ 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इट गिव्स 4AlOH(3) प्लस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन गैस। यहाँ पर भी हमें मीथेन गैस लिबरेट हो रहा है यहाँ पर, इसीलिए इस एल्यूमिनियम कार्बाइड को हम क्या बोलेंगे? मिथेनाइड्स। नाउ मिथेनाइड्स आर रिगार्डेड एज डेरिवेटिव ऑफ मीथेन क्योंकि इससे हमें क्या मिलता है? मीथेन, एंड आर सेड टू कंटेन दिस ग्रुप। मिथेनाइड्स कंटेन दिस ग्रुप। एसिटाइलाइड में क्या था? सी ट्रिपल बॉन्ड सी ये ग्रुप था। ऐसे ही मिथेनाइड में क्या है? ये ग्रुप प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट टाइप इज, नेक्स्ट टाइप जो हम थर्ड टाइप देखने वाले हैं वो है एलिलिड्स।
अब ये क्या देता है, अलील ग्रुप। सो एलिलेट्स ईल्ड अलील ऑन हाइड्रोलिसिस, मतलब जब एलिलेट्स को हम वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो हमें अलील ग्रुप मिलता है। एग्जाम्पल इसका हम लेंगे मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3, व्हेन रिएक्ट विथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इट विल गिव ट्वाइस MgOH/2 प्लस C3H4। अब C3H4 क्या है, अलील। अगर इसका स्ट्रक्चर हम निकालते हैं तो अलील कैसा होता है, और यहाँ पर दो हाइड्रोजन एंड में, ये क्या है C3H4। इस फंक्शनैलिटी को हम क्या बोलते हैं, अलील।